सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे पहला वीडियो यह है, और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं तीन वीडियो आपको दूंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो सबसे पहला जो आज का वीडियो होने वाला है, उसमें मैं आपको ई बुक्स के बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन बैंक्स के बारे में बताऊंगा। और जो फाइनल वीडियो मेरा बनेगा, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताऊंगा, उसको आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से फाइनली बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो ई बुक्स हैं, ई मटेरियल है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कहां से आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं बताऊंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और दोस्तों, ई बुक्स है क्या, उसको भी मैं पूरा डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमारे पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज का जो वीडियो है, इसमें मैं ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ई बुक्स को कवर करूंगा। ई बुक्स होती क्या है उसके बारे में बताऊंगा, और इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि ई बुक्स होती क्या है। तो दोस्तों, ई बुक्स बुक्स का सॉफ्ट कॉपी होती है, जो आपके पास बुक्स होती है पढ़ने के लिए, वो हार्ड कॉपी के रूप में होती है, और ई बुक्स जो होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। इसका मतलब है कि पूरा जो आपकी बुक्स है, हार्ड कॉपी आप पन्ने पलट पलट के उसको पढ़ते हैं, वही चीज आप या तो कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल पे उस चीज को डाउनलोड करके रख सकते हैं, जब चाहे जब यूज कर सकते हैं। पूरा चीज सॉफ्ट कॉपी में होता है, उसको आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर सकते हैं। तो वो होती है ई बुक्स। तो अभी तक जितने भी साइटों पे आप जाते होंगे, तो ई बुक्स जो भी देता है वो आपसे पैसे मांगता होगा, भाई ये ई बुक आपको चाहिए, इस ट्रेड की ई बुक चाहिए, इस पेपर की ई बुक चाहिए, तो आप लोगों को आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती थी। लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगी, सारी बुक्स मिलेंगी, और इन बुक्स का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये जो ई बुक्स आपको मिलेंगी, ये कई लैंग्वेजेस में मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। जो हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स में हमारे पास हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है, तमिल में अवेलेबल है, और गुजराती में भी अवेलेबल है। वहीं सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ये हमारे पास हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहीं पे हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो ये हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। लेकिन यहीं फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो हमारे पास ओनली इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। लेकिन फ्यूचर में जैसे ही हमारे पास और लैंग्वेजेस की बुक्स आती हैं, तो वो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से अपडेट करूंगा और डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, डाउनलोड कैसे करना है इस ई बुक को, तो उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां पे स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आपको ई बुक्स को कैसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से पूरे लिंक्स मिल जाएंगे जो जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। यहाँ देख लीजिए, कोर्स हमने डाल दिया है इलेक्ट्रीशियन, ITI का ट्रेड डाल दिया है इलेक्ट्रीशियन। ई बुक्स हमारे पास जो अवेलेबल है सेमेस्टर वन में, देख लीजिए सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ में। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश की, गुजराती, हिंदी और तमिल। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो ये इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ये हमने टेक्स्ट नोटपैड में खोला है, तो इसलिए हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, या आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करेंगे तो वो नए विंडो के साथ खुल जाएगा। तो यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं।
तो पेस्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ओवरव्यू खुल के आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारे पास बुक्स हैं, जो भी देख बुक्स लीजिए। आप डाउनलोड करना चाहें या किसी एक को डाउनलोड करना चाहें, तो उस अगर आपको सारी बुक्स डाउनलोड करनी है तो वन बाय वन करके क्लिक करके आपको ओपन करना होगा। तो मैं एक बुक्स को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो वही प्रोसीजर आपको सेकंड बुक भी डाउनलोड करने में करना होगा, तीसरी, चौथी, जितने भी यहाँ पे ई बुक्स अवेलेबल हैं सभी में वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। मान लीजिए हमें ये बुक डाउनलोड करनी है तो इस पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ फाइल देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन सेमेस्टर वन ट्रेड प्रैक्टिकल, और ये जो फाइल है यहाँ साइज भी दिया हुआ है, 10.2 MB की आपकी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देख लीजिए, प्रीमियम डाउनलोड है और फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ एड्स आएंगे, उसको बंद आप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये देखिए, जैसे ही फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ओवरव्यू खुल के आ जाएगा। यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ वेट करना है 23 सेकेंड का, देख लीजिए। तो 20 ये हम वेट कर लेते हैं, जैसे ये सेकंड्स कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको ये बुक्स आपके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे डाउनलोड हो पाएगी। तो यहाँ कुछ देर और वेट करते हैं, यहाँ देखिए सेकंड अब ख़त्म होने वाले हैं। तो ये देखिए अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पे, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस वॉक्स आ गया, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आई एम नॉट रोबोट क्लिक हो गया। इसके बाद क्रिएट डाउनलोड लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो फिर से कुछ एड्स आ रही हैं, तो ये देखिए वो बंद कर देना, जो भी एड्स वगैरह आए क्लिक करने पे उस पर घबराना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू डाउनलोड, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये एड्स बंद कर देते हैं। अब देखिए फिर से आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट सेमेस्टर ट्रेड प्रैक्टिकल सेव फाइल, तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा कि ये खुलेगी कैसे, क्योंकि भाई आप लोग कहेंगे कि देखिए डाउनलोड करने का प्रोसीजर तो डाउनलोड हुई नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो को प्रॉपरली डाउनलोड करने का जो पूरा प्रोसीजर है उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये डाउनलोड हो चुकी है, अब इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये देखिए क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिशियन NSQF Level 5 फर्स्ट सेमेस्टर ट्रेड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिशियन, और ये जो बुक थी वो इंग्लिश वाली हमने डाउनलोड की थी। तो और ये 222 पेज की बुक्स है, इसको आप जब चाहें अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे, तो जब चाहें तब इसको आप यूज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जो भी पढ़ना है आप यहाँ से आसानी से आप पढ़ पाएंगे। इसी तरह बाकी सारी बुक्स को भी आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रोसीजर यही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों कमेंट करके आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस ट्रेड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, साथ साथ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।